हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बबीताज ग्रीन प्लैनेट। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गुलाब जो है वो हमारा फूल नहीं दे रहा है। ये बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारा गुलाब फूल नहीं दे रहा है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि प्रूनिंग ना करना, जैसे कि उसको खाद ना देना, टाइम पे उसकी रिपोर्टिंग ना करना। तो ये बहुत सारे रीज़न होते हैं, और उनमें से एक रीज़न और होता है जो किसी को मोस्टली किसी को नहीं पता होता। तो बस आज उसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो देखिए, जैसे ये है मेरा गुलाब है, तो काफ़ी ऊँचा हो रहा है, लंबा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि फूल बहुत कम आ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे जैसे एक कली आपको दिखाई दे रही होगी, ये एक कली आ रही है, ये देखिए। तो ये एक कली दिख रही है इतने बड़े गुलाब में, और यहाँ पे कोई फूल नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। ऐसे ही मेरा ये वाला गुलाब है। तो देखिए, जैसे इसमें ये नई शूट्स आ रही हैं, तो आपको लग रहा होगा कि मेरा जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से चल रहा है, और मैंने इसमें खाद भी दे दी थी टाइम पे, इसका इसकी प्रूनिंग भी कर दी थी, कटिंग जिसे हम कहते हैं कटिंग भी कर दी थी, और ये देखिए नई शूट्स भी आ रही हैं, तो बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको नहीं पता चल रही है। वैसे ही इसमें देखिए, अगर आप यहाँ नज़र डालें तो ये देखिए कितना बड़ा मेरा प्लांट हो रहा है ये, और इसमें ये देखिए सिर्फ एक ही इसमें जो बड़ आई हुई है वो सिर्फ एक आई हुई है, आपको दिख रही होगी ये बड़। तो ये देखिए एक ही बड़ आ रही है, बाकी ये प्लांट देखिए कितना बड़ा, ऊंचा नहीं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 3-4 फीट का हो रहा है, और इसमें बहुत सारी इसमें जो डालियाँ हैं वो बनी हुई हैं। तो इसका कारण क्या है कि इसमें सिर्फ एक शूट आई, एक ही जो है बड आई हुई है, ये एक ही क्यों आई हुई है? तो इसका कारण है ये 5 पत्तियाँ, और ये जो इधर आप देख रहे होंगे, ये देखिए मैं इसमें आपको एक मेन चीज़ दिखाती हूँ, ये इसमें 7 पत्तियाँ आपको दिख रही होंगी। ये देखिए मैं आपको गिन के दिखवाती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें देखिए ये भी, इसमें भी 7 पत्तियों वाला है, और इसमें ये देखिए ये 5 पत्तियों वाला है, इसमें अब बड़ आ जाएगी, इसमें कली आ जाएगी, और ये देखिए जिसमें कली आई हुई है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 5 पत्तियों वाला है, 1, 2, 3, 4, 5, और जो भी आपकी 7 पत्ती वाला जो होगा, जैसे ये है, ये सारी ये क्या है, ये सकर्स बोलते हैं इन्हें, और ये आवारा ब्रांचेस होती हैं, ये बेकार ब्रांचेस होती हैं, क्या करती हैं कि पूरे प्लांट की जो है एनर्जी वो ले लेती हैं, और इसमें हमें क्या होगा, इसमें ना तो एक भी कली आएगी, ना कुछ भी नहीं आएगा, सारे प्लांट की एनर्जी जो है वो यही वाली ब्रांच ले लेगी। ज़्यादा एनर्जी के लिए बढ़ता भी बहुत ज़्यादा है, और जो ये चीज़ है ये इसको कम एनर्जी देगा, फूल भी छोटा आएगा इस एक में, क्योंकि ये अकेला पड़ जाता है, और ये सारी ब्रांचेस हैं ये बिल्कुल बेकार हैं, वेस्ट हैं, इनमें कुछ नहीं होगा, पूरे प्लांट की एनर्जी ले लेगा। वैसे ही आप इसमें देखिए, अगर आप यहाँ नज़र डालें तो ये देखिए जो ये वाली है, अब मुझे लगेगा कि भाई मेरा प्लांट तो नई शूट्स दे रहा है, ये बहुत अच्छी शूट्स दे रहा है, बट इसमें दिक्कत क्या है, ये देखिए हमें किसी को पता नहीं चलता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 लीव्स हैं, तो क्या होगा कि ये एक्स्ट्रा ब्रांच है। अभी ये देखिए कुछ दिन पहले भी मैंने यहाँ से एक ब्रांच कट करी थी ये वाली, तो इसमें भी क्या था कि इसमें भी 7 पत्तियाँ थी। जैसे देखिए ये शूट आ रही है, इसमें ये जो ब्रांच आ रही है, ये ब्रांच बिल्कुल बेकार है, और पूरे मेरे प्लांट की जो एनर्जी है उस सारी प्लांट की एनर्जी को ये वाली सकर ले लेगी, क्योंकि ये इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाती है, जो सकर्स होते हैं उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है, और एक चीज़ और होती है, इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखिए कांटे इसमें हर जगह दिखाई देंगे, और पैने कांटे दिखाई देंगे, तो इसलिए क्या कीजिए आप, ये वाली जो रूट, ये देखिए नीचे से जो आ रही है, जो इसके ऊपर से शूट्स आएंगी वो कम आएंगी, सकर्स आएंगे, और इसको आप क्या करिए, जड़ से निकाल दीजिए ये वाली, ये देखिए, तो ये आप निकाल के फेंक दीजिए, तो क्या होगा कि इसको एनर्जी के लिए टाइम मिल जाएगा। और इसमें जो ये देखिए, अब शायद इसमें थोड़ी सी बड़ आ रही है, क्योंकि इसमें 5 पत्तियाँ हैं। तो देखिए, जैसे मैं ये आपको दिखाऊं कि इसमें आप जहाँ भी देखेंगे, जितनी भी देखेंगे, इसमें 7 पत्तियाँ आपको नज़र आएंगी। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 पत्तियाँ, ये शूट बेकार है, ये वाली जो ब्रांच है ये बिल्कुल बेकार है, इसको इनको सकर्स बोलते हैं, या फिर आप देसी भाषा में बोल सकते हैं ये आवारा ब्रांच है, इसमें कोई पत्ती नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, कोई कली नहीं आएगी, कोई फूल नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसलिए इसको आप कट कर दीजिए, टाइम पर ही कट कर देंगे तो क्या होगा कि प्लांट जो है हमारा उसको एनर्जी मिल जाएगी, नहीं तो क्या होगा ये सारी एनर्जी ले जाता है, और ये आप देखेंगे कि बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, इस प्लांट को पीछे छोड़ देगा, और ये ऊंचा हो जाता है, हमेशा ऊंचा हो जाता है फिर। तो अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ, ये देख, तो ये देखिए ये इसमें 7 पत्तियाँ हैं, इसमें सारे में 7 पत्तियाँ हैं, और इसमें कोई भी फूल या कोई भी कली नहीं आपको दिखाई देगी। तो मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से ही कट कर दूँगी, ये
तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ और जो मेरे प्लांट्स हैं गुलाब के, जिनमें फूल काफ़ी भरे हुए हैं, और उनमें मैं आपको दिखाऊंगी कि 5 पत्ती है उनमें ही फूल आते हैं, बाकी ये फूल जितनी भी ये 7 पत्तियों वाली जो ब्रांच होती हैं वो वेस्ट होती हैं, बेकार होती हैं। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जैसे इसमें देखिए कितने प्यारे और कितने बड़े बड़े फूल आए हुए हैं, और बहुत ही खूबसूरत से फूल लग रहे हैं। और इसमें ये देखिए नई बड भी आई हुई हैं, ये आ रही हैं बड, और इसकी आपको मैं अगर पत्तियां गिनवाऊं, जो ये पत्ते होते हैं ये देखिए, ये इसमें 5 पत्ते हैं, इसमें भी 5 पत्ते हैं। जहां भी आपके 5 पत्ते होंगे तो फूल ज़रूर आएंगे, 100% फूल आएंगे, अगर आपने खाद वगैरह टाइम पर दी है, इसकी देख रेख की है तो। और आप चाहे कितनी भी देख रेख कर लीजिए, अगर आप इसमें अगर सकर्स को छोड़ देते हैं, जो 7 पत्ते वाला जो ब्रांच होती है छोड़ देंगे, तो उसमें फूल नहीं आएंगे और पूरी एनर्जी आपके प्लांट की वही वाली ब्रांच ले लेती है। अगर आपके घर में प्लांट है गुलाब का तो उसे आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए, और आज ही चेक कीजिए, अगर सकर्स आए हुए हैं तो उन्हें कट करके आप फेंक दीजिए, और उन पत्तियों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, सुखा दीजिए उनको और आप अपना खाद बना लीजिए उसमें। फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप कोई भी कमेंट मेरे को बताते हैं कमेंट करके तो मुझे अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।